Okay, beta, so in our previous class, we have discussed about the electronic configuration और उन electronic configuration में जो complications थी उन पर हमने बात करी थी, उनको हमने discuss किया था कि for example, if we talk about the D shell, कि जो आपका बेटा D shell था, जो D shell इसके D shell के अंदर कभी भी आपके पास 4 या 9 electrons नहीं आते. जब भी आपके पास डी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 पर जाती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस शेल जंप्स टू द d1. ओके, क्यों? इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, आपके पास अगर हम 4s2 3d4 करते हैं तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही शेल स्टेबल है, विच इज 4s2, क्योंकि ये शेल फिल है. लेकिन व्हेन आई ट्रांसफर कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस 3d में ट्रांसफर कर दें, सो इट बिकम 4s1 एंड 3d5. यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये दोनों हाफ शेल हो गए, एंड दीज टू हाफ शेल्स बिकम्स मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस जो सिर्फ एक शेल था, जैसे 4s का. ठीक है, तो इस पर हमने बात करी थी इन केस ऑफ क्रोमियम, और आगे जाके हमने कॉपर और जिंक को भी डिस्कस किया था. ओके, तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. बिल्कुल जी, एनीवन, या फिर आगे चलूं? ओके, तो आगे चलते हैं. अब जो हमने लास्ट क्लास में एक और चीज को डिस्कस करा था, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ओके, कि जब हमारे पास आयंस बनते हैं, एंड फॉर द आयंस हमारे पास दो टाइप्स के आयंस हैं, एक कैटायन एंड एनायन. कैटायन कब बनेंगे, कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास रिमूव हो जाते हैं, एंड एनायंस आपके पास जब बनते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन हो जाते हैं. ठीक है, तो फॉर दैट रीजन बेटा, जब आप कहीं कहीं पर भी कैटाइन बना रहे होंगे ना, किसी का भी कहीं, सॉरी कैटाइन तो छोड़ो, एनायन जब बना रहे होंगे, अब एनायंस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने का जो फैशन है वो वही है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. ओके, तो ये तो वही सारी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास फिल हो रही थी ना, वैसे ही आइंस में भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कैटाइंस की, अब फॉर दीज कैटाइंस, कैटाइंस के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होंगे. इन दिस केस फॉर एग्जांपल, यू हैव अ सोडियम एटम, एंड इस सोडियम एटम का जो फिलिंग पैटर्न है वो फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल पर है, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल द लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला शेल, एंड देन वो दूर होते होते हाई एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुट अप हो जाते हैं. तो जब आप कैटायन बनाओगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का रिमूविंग पैटर्न होगा वो इसी का रिवर्स होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे फ्रॉम लो टू हाई, अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना शुरू जाएंगे from higher energy level to lower energy level. Okay? आप देख सकते हो कि इसका 3s1 के जो electron था वो lose हो गया when you get that sodium into the ion. Okay? इसी तरीके से बेटा इसकी एक और example मैं आपको दूंगा, कि for example when we talk about the scandium atom, scandium which is 21. अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अब 3p के बाद क्या, कौन सा शेल फिल होगा बेटा? 3p के बाद होगा आपके पास 4s2, 3d1. ठीक है, ये आ गया आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब देखो फिलिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से फिल हुआ और फिर 3d पर फिल हुआ, इट मींस दैट कि 3d की एनर्जी ज्यादा है,
एज कंपेयर टू 4s, ओके। तो व्हेन दैट स्कैंडियम बिकम्स वन पॉजिटिव आयन, जब ये स्कैंडियम वन पॉजिटिव आयन बनाएगा तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम द 4s, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा बेटा, 3d से निकलेगा, ठीक है। तो ये वही बात है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को पुट अप कर रहे थे तो इट विल बी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने चले जाओगे आइंस में, आइंस या कैटाइंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो व्हाट इज डन कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन सबसे हायर एनर्जी लेवल में है वो सबसे पहले लूज होगा, एंड देन वी मूव अकॉर्डिंग टू द एनर्जी डिफरेंसेस। आ रही बात समझ में बेटा, एनी कंफ्यूजन, कोई बात है तो बताएं शावज। 4s2, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम आयन, ठीक है। ये बेटा एनी क्वेश्चन, फसी आपने इतना लेट ज्वाइन किया बेटा, कुछ करा करो, टाइम पे ज्वाइन करो। तो क्लास वैसे ही थोड़ा सा लेट शुरू होती है प्रीवियस क्लास, तो बी ऑन टाइम। हाँ बेटा, अदीन, दाऊद, अमार, ओके, ओके। सो हमने अपने पीरियोडिक टेबल को और फर्दर ऑर्गेनाइज कर दिया और अरेंज कर दिया, एंड दैट इज द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। पीरियोडिक टेबल अरेंज इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब फॉर द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टिल ग्रुप नंबर 7, दीज आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दैट सीरीज इज बिकम द एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया आपके पास नोबल गैसेस, बेसिकली ये भी पी ब्लॉक में ही आएगी, लेकिन ये पी ब्लॉक के अंदर भी नोबल गैसेस में कन्वर्ट हो गई। अब बेटा ये जो ब्लॉक सिस्टम है ये हमें क्या बता रहा है, बेटा ये ब्लॉक सिस्टम हमें ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में है, एंड इफ यू गाइस नो दैट कि भाई ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा एस सब शेल पर ख़त्म होती है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आर कंसिडर्ड as s block element, क्यों बेटा, as their electronic configuration ends at एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इट स्टार्ट फ्रॉम NS1 NS2, वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, क्योंकि एस के सब शेल में सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो उस एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को, देखिएगा लिथियम सोडियम एंड मैग्नीशियम, ओके, इट्स 3, इट्स 11 एंड इट्स 23, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो फॉर द लिथियम 1s2 2s1, फॉर द सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 दिस इज 3s2। तो आप देख सकते हो बेटा कि लिथियम का जो आउटर शेल है, इसका आउटर शेल है 2 और इसका एस ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में है वो ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, ठीक है, इन दी एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है। और कौन सा नंबर ऑफ शेल है बेटा? सेकंड शेल। तो ये जो मैंने लिखा है ना NS1, तो ये आप एन की जगह अगर 2 डाल दोगे तो इट बिकम्स, लेकिन जब आप सोडियम पे चले गए वही सेम है कि एस ब्लॉक के अंदर एक एलिमेंट, तो इट बिकम CdS1। मैग्नीशियम आ गया बेटा 24, सुन मेरी बात, अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम का बेसिकली जो प्रोटॉन नंबर है वो तो 12 है, 24 तो इसका मास, तो मैग्नीशियम आ गया आपके पास 12। अब तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन्स है बेटा 12, तो इट्स बिकम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब इधर देखिएगा s पर ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, हम कौन से शेल में बेटा? थर्ड शेल में। वी डोंट केयर अबाउट द थर्ड शेल, शेल नंबर, हम शेल शेल नंबर पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ ये देखना है बेटा जो आउटर शेल है, जो भी आउटर शेल है उनके अंदर कौन सा ब्लॉक मौजूद है, कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बेटा ये हो गया 3s2, तो यस, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या रही है आपके पास, कि भाई कोई भी शेल हो या तो उसमें S1 हो सकता है या फिर S2 हो सकता है। S1 का मतलब ग्रुप नंबर 1 और S2 का मतलब ग्रुप नंबर 2। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? बेसिकली ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हो। व्हाई एस ब्लॉक? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट एस शेल। ओके, अब इसी तरीके से जब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो बहुत ही कॉमन सी बात है दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टिल ग्रुप नंबर 8, मैं इसमें ग्रुप नंबर 8 या फिर 0 ग्रुप इसको भी इंक्लूड करूंगा। व्हाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एट पी सबशेल एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी होगी बेटा, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ ना,
ये एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करता इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ एग्जाम्पल्स दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो हमेशा आप किसी भी शेल में चले जाओ तो हर शेल स्टार्ट होता है एस से, ठीक है, कोई भी शेल हो, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो एस सब शेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए आपका पहले किसी भी सब शेल का, किसी भी शेल का एस का सब शेल भरेगा, क्योंकि जब तक एस में दो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो वी डू नॉट मूव ऑन द पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले बेटा किसी भी शेल का एस ऑर्बिटल भरा NS2P1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, NS2P6 पे। अब देखो एक शेल का जब तक एस एस सब शेल नहीं भरेगा तो वो सी तो फिर हम लोग आगे पी में नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो बेटा इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो भी आउटर शेल हो हमें एस भरेगा तो पी आ गए, इसके अलावा इसके आउटर शेल में मीन्स दैट कि ये हो गया ग्रुप नंबर 3 टिल ग्रुप नंबर 8, ठीक है। क्योंकि बेटा ये कॉमन सी बात है, क्योंकि पी के सब शेल में तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जब ब्लॉक में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है S1, एन एस ऊपर लिखा हुआ था ना, मैं दिखाता हूँ, आपके पास लिखा हुआ है 2S1, सेकंड शेल का एस ब्लॉक है और सिर्फ एक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर 1 पे, सही है। इस तरीके से मैग्नीशियम पे S2 है तो बच्चे भाई ग्रुप नंबर 2 पे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक में आते हैं, तो फिर हम पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, तो फिर बात गलत हो गई। तो बेटा द रीजन इज दैट कि आप जब भी किसी भी शेल में जाओगे हूँ, आई की बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन विच इज 17 एंड ऑक्सीजन विच इज 8, तो फॉर द क्लोरीन वी हैव 1s2 2s2 2p6 एंड फिर 3s2 3p5 एंड फॉर द ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ओके। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड इज दैट कि अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो क्लोरीन का आउटर शेल कौन सा है बेटा, थर्ड शेल, ठीक है, यहाँ पर दोनों में 3 लिखा हुआ है, मतलब ये थर्ड शेल है, और इस थर्ड शेल में एस और पी, मतलब पूरे थर्ड शेल में जो आपका पूरा थर्ड शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 7, तो इसीलिए दैट क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 7। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट ऑक्सीजन, सो द आउटर शेल इज सेकंड शेल एंड इन इन द होल ऑफ सेकंड शेल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 6, समझे या नहीं। क्लियर है सबको, ओके। सो आप इसको जल्दी से बेटा कॉपी करें इसको, शाबाश, गुड गुड गुड, पहले आप इसको इसको कॉपी करें, शाबाश, जल्दी, देन फिर हम लोग आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम कम है बेटा।
ये लो। हो गया बेटा, या तो स्क्रीन शॉट ले लो ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े। देखिए आप लोग, अब अगर स्क्रीन शॉट लेते भी हो तो यू मस्ट हैव टू कॉपी इन योर रजिस्टर, प्रॉपर बना लेना, क्योंकि बाद में फिर काम का कुछ नहीं पता। नंबर गेनिंग टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एस और पी ब्लॉक की मैंने बात करी है। इसी तरीके से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उन डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होगी और एफ के एफ पर खत्म होगी, लेकिन अभी हम लोग मेजरली सिर्फ एस और पी की बात ही करते हैं, सही है ना। डी की बात जब हम लोग थोड़ा समय आगे आ जाएंगे ना, तब तो फिर मैं आपको डी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग एस और पी की बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि पूरी मतलब इस चैप्टर की समरी होगी, एंड इसके इसे बहुत सारे एमसीक्यूज और आप पेपर टू में भी इस एक क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेटा अभी कुछ भी लिखिएगा नहीं, इसको सिर्फ समझिएगा और फिर एंड में आप पिक्चर्स ले लीजिएगा, बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी पोस्ट अप हो जाती है। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो लास्ट लेक्चर्स की आई थिंक वो पोस्ट नहीं हुई थी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस वीक में जैसे ही ये वाला चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा ना, इस वीक के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिविजन का सेशन रखेंगे। एटलीस्ट वन और टू क्लास में आपको रिविजन की दूंगा कि जिनका जो लास्ट क्लास के लेक्चर हैं वो मिस हो गए हैं या फिर कोई चीज समझ में नहीं आई है, देन फिर हम लोग टॉप टॉपिकल पास पेपर्स की तरफ जाएंगे, फिर हम नए चैप्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्लास की स्ट्रेटजी है और ये हर टॉपिक में सेम टू सेम इस तरीके से रिपीट होगी, ताकि हमारा जो काम है वो कोर्स कंप्लीट करना है सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन हमें इस तरीके से कोर्स कंप्लीट करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए। एज लास्ट में अगर हम अपने ऊपर बर्डन जमा कर लेंगे ना, तो फिर इसको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए, हो गया। तो चाहिए कि अभी से ही पास पेपर्स वगैरह को जिस तरह मैं करवाऊंगा ना, जब तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इनशाला इन सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो बेटा, द टॉपिक नेम इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज योर टॉपिक नेम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, और दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग,
वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन, गैशियस वन मोल ऑफ गैशियस सॉरी वन मोल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी. ये डेफिनेशन लंदी है लेकिन इट विल गिव यू 3 marks इन योर पेपर. या आपको पेपर में 3 marks की सिर्फ एक डेफिनेशन आती है. और इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बेटा, जब भी आप लोग कई कुछ डेफिनेशन पर बात करेंगे या फिर कुछ जो है वो जितना थ्योरी लिखोगे, तो उस थ्योरी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होने चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजों पर मार्क्स मिल रहे हैं. ताकि अक्सर बच्चे खासकर ए लेवल्स में इस बात की बात करते हैं, सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हमने बहुत अच्छा लिखा है, हमने पूरा लिखा है, लेकिन फिर भी उनके नंबर्स नहीं आ रहे होते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो द बेसिक रीजन इज दैट कि यहाँ पर आपने सब कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर आपने कम लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. ठीक है भाई, कम लिखो, अच्छा लिखो, एग्जामिनर नंबर देगा. अगर आप लोग अपने क्वेश्चन को लेंथ को बढ़ाते चले जाओगे कि भाई यार मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, एग्जामिनर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, फिर हम लोग जिस तरीके से आगे चलते रहेंगे ना, मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम्स के वो बेसिक पॉइंट भी बताऊंगा जिसमें आपको नंबर. अब इसमें 3 marks क्या कह रहा है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ये आपका पहला मार्क आ गया. फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस एटम द सेकंड मार्क टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन. इवन दो अगर आप यहाँ पे ये गैशियस का वर्ड भी नहीं लिखोगे तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा. ओके, तो दैट इक्वेशन दैट डेफिनेशन शुड बी लर्न्ड एज सेम एज के जो मैंने आपको लिखवाई है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन. You have to write one electron to form one mole of gaseous atom to form one mole of gaseous positive ion. अब हो सकता है ये जो equation है, ये जो definition है, ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन मैं आपको ये suggest करूँगा कि आप इस equation को याद करो with respect to its equation. इस definition को इसकी equation से याद करो. Let's suppose आपके पास एक element है x, ठीक है, और ये element normal room temperature पर है. So it is in the state of solid. Okay. So according to the definition, जब तक ये element आपके पास solid में है, क्या यहाँ पर ionization energy हो सकती है? नहीं हो सकती, because for that ionization energy, we have to convert it into the gaseous state. Okay. तो पहले आपने let's suppose this x को solid से liquid में convert किया, फिर अभी भी आयनाइजेशन आप नहीं करवा सकते. फिर आपने इस एक्स लिक्विड को एक्स गैस में कन्वर्ट किया. ये सिंपल कन्वर्जन मेथड्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के. सही है, तो पहले आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से गैस में. अब नाउ व्हेन योर एलिमेंट इज बिकम इन द गैसियस स्टेट, तो आप यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी करवा सकते हो. तो आपने क्या किया, इस एक्स एलिमेंट जो कि गैस की स्टेट में था, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई. क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसके शेल के अंदर है, दैट एक इलेक्ट्रॉन जो इसके शेल के अंदर है, उसके पास अभी इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो वहां से रिमूव हो सकते. तो हमने क्या किया, इस एक्स गैसियस एटम को एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई. ठीक है, तो क्या हुआ,
इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया, एंड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव तो बेटा ये कौन सा आयन बन जाएगा, वन पॉजिटिव आयन, एंड दैट आयन इज ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट एंड वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो अब इस डेफिनेशन को देखो और अब आप लोग इस इक्वेशन को देखो, दैट इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाई वी आर कॉलिंग इट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज हमने यहाँ पर से अभी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है तो सेकंड भी तो हो सकती है और फिर थर्ड भी तो हो सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मींस दैट के हम हमेशा किसी भी शेल के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको लिथियम की, लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा इसकी टोटल आयनाइजेशन एनर्जीज कितनी हो सकती है, तीन हो सकती है, क्योंकि हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को इस लिथियम के शेल से रिमूव करा सकते हैं। देखो फर्स्ट में दो इलेक्ट्रॉन है और फिर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझना कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट आपसे आपके पास क्या कहता है कि ये लिथियम गैसियस की स्टेट में है, हमने क्या किया, अब देखो इस लिथियम का ये जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट शेल, सही है। क्या हुआ बेटा, हमने इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, इसके आउटर शेल में एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, ठीक है। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकता है तो वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, और क्योंकि अभी आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। और जब आप इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जब आप थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा एक चीज जो आपको दिमाग में याद रखने की है, हम एक किसी भी एलिमेंट के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन वन बाय वन, समझे ना, वन बाय वन। ऐसा नहीं होगा कि आप एक साथ ही सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक करके निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये लिथियम की ही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। मैं लिथियम की भी लिख देता हूँ भाई, लिथियम गैस, गैस की स्टेट में क्या हुआ, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, ठीक है, एंड इट बिकम्स लिथियम पॉजिटिव आयन, सॉरी वन पॉजिटिव, इट बिकम्स लिथियम पॉजिटिव आयन इन द गैसियस स्टेट एंड वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम लोग बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ चले जाएं, तो बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये बात जरूरी है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एग्जिस्ट हो चुकी हो, जब तक फर्स्ट नहीं होगी सेकेंड पर नहीं जाएंगे। अच्छा अब सेकेंड आयनाइजेशन कैसे कैसी होगी बेटा, कि अब आपने लिथियम का गैसियस पॉजिटिव आयन लिया, इसमें फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाई, ठीक है, तो अब नाउ इट बिकम लिथियम टू पॉजिटिव गैसियस आयन प्लस वन इलेक्ट्रॉन। देखो मैं अपनी डेफिनेशन से नहीं हट रहा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी डेफिनेशन सेम है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस टू पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये हो गए आपके पास, नहीं बेटा दो टू ही नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ, हम इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन कर निकाल रहे हैं। पहले लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इस लिथियम के पॉजिटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, जो कि अक्सर कॉमनली बच्चे लिख देते हैं, डेफिनेशन का मकसद खत्म हो जाएगा, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, ठीक है। दैट इज द कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट कर देते हैं,
जल्दबाजी में, और ये वो उनको लगता है कि भाई जब मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी डन पीरियोडिकली, आहिस्ता आहिस्ता होती है, वो वन बाय वन होती है। अब मैं जब इसके बेटा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी करता हूँ करूंगा तो क्या होगा बेटा? अब थर्ड आयनाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि ले आपका एलिमेंट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तक पहुंच चुका हो। अब देन लिथियम थ्री पॉजिटिव गैसियस आयन, और फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, बात समझ आती है? इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अदीन, अम्मार, दाऊद, फसी, माहीन, रुमैल, मुनज़ा एंड उमर। असफर आज एब्सेंट है आई थिंक। स्टूडेंट से फाइव स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अम्मार क्लियर, अदीन क्लियर, सब जल्दी बेटा सब बताएंगे तो फिर आगे चलूंगा, मैंने वादा नहीं आएगा। माहीन क्लियर, रुमैल क्लियर, उमर क्लियर, और हाँ भाई फसी, दाऊद, आप लोगों का जवाब, और मुनज़ा बेटा आप लोगों का जवाब, यहाँ फसी, डन, दाऊद और मुनज़ा। ठीक है डन, शाबाश। अब बेटा हम बात करेंगे फैक्टर्स की ना, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स। तो हेडिंग डालिए हम क्या, आप तो नहीं भी, तो फिर मैं ही लिख रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी पर तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो के आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। तीन फैक्टर्स हैं इसमें से बेटा पहला फैक्टर आपके पास है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, सेकेंड थिंग आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। जाहिर है जितना आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा, इट्स कॉल्ड द साइज ऑफ एटम। थर्ड वन आपके पास बेटा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब इन तीनों में ये जो पहला इफेक्ट है या दूसरा इफेक्ट है, ये तो नाम देखने से हमको समझ में आता है कि यार हम किसकी बात कर रहे हैं। इधर वी टॉक अबाउट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पर
अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस थ्री फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी थ्योरी का क्वेश्चन एंड आंसर होगा रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपका आंसर हमेशा इन तीनों फैक्टर्स को जस्टिफाई करके घूमना चाहिए। कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ रही है और कब इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है, तो यू मस्ट नो दैट कि इन्हीं तीनों फैक्टर्स को हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो बेटा अब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपके पास क्या था, वो एनर्जी के जो आप इलेक्ट्रॉन्स को दो, क्योंकि देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली उस अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं निकल सकता ड्यू टू इट्स साइज, का साइज भी छोटा है इलेक्ट्रॉन का, सही है। तो वो प्रोटॉन पर प्रोटॉन की अट्रैक्टिव फील्ड में ही रहता है जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करवा दूं, तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फील्ड जो है लिथियम रिमूव हो जाएगा। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। हम सारी आयनाइजेशन एनर्जी कर सकते हैं, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, लेकिन वन बाय वन, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसके पिक्चर्स ले लो और फिर इसको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। शाबाश। बेटा इसकी पिक्चर ले ली। और अब इसकी भी ले लो। ये दूसरी हो गई और ये इसके फैक्टर्स की ये तीसरी हो गई, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स को फिर हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और कल के बाद हम आई थिंक परसों की क्लास में इसके पास पेपर्स को साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने सामने पास पेपर्स शेयर करूंगा। चले अभी की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपके दूसरी क्लास में मिलेंगे। चल अल्लाह हाफिज़।